वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहे हैं सुजाता के मिक्सर जूसर की। ये देखिए, मैंने ये अमेज़न से मंगाया है। इसको हम खोल लेते हैं और इस जूसर की तारीफ मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है। इसको हम इसमें से निकालेंगे। ये हमने निकाल लिया है। ये देखिए, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, और ये पावरमेटिक प्लस है इसका जो मॉडल है, क्योंकि सुजाता के बहुत सारे मॉडल आते हैं, जिसमें से मैंने ये सिलेक्ट किया है। और इसकी पावर जो है वो 900 वॉट है, बहुत ही बढ़िया है। अब हम इसको ओपन करते हैं। आप इधर फ्रंट में देख सकते हैं, हाईलाइट किया हुआ है, 900 वॉट की मोटर है, हैवी ड्यूटी मोटर है। और इसके साथ जो अटैचमेंट है वो हम देखते हैं क्या क्या निकलेगा। इसको ओपन कर रहे हैं। ये देखिए, और ओपन करते ही सबसे पहले निकलता है इसका ये मैनुअल। ये देखिए, ऑपरेटिंग मैनुअल है जिसमें ये सारा इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, क्लीनिंग द ब्लेंडर, यूजिंग द ब्लेंडर, यूजिंग एज अ जूसर, ये सारे अटैचमेंट कैसे फिक्स करना है, ये एरो के साथ इसमें दिया हुआ है, तो कोई आपको मुश्किल आने वाली नहीं है। कैसे उसको क्लीन करना है, सभी कुछ इसके अंदर दिया है। और ये कैटलॉग है, क्योंकि सुजाता के कई मॉडल हैं तो ये सारे मॉडल इस पे इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। कोई भी अगर आप दूसरा मॉडल सिलेक्ट करना चाहें तो ले सकते हैं। ये भी इसके साथ ही है, और ये इसमें इसकी डिटेल्स दी हैं, कमर्शियल रेंज ऑफ मिक्सर ग्राइंडर्स वो भी है। ये देखिए, सबसे पहले ये क्या है देखते हैं खुल के। ये प्लंजर है जिससे हम कोई भी वेजिटेबल, और ये मैं आपको बताऊंगी जूसर में प्रेस करने के लिए रखते हैं। ये क्लीनिंग ब्रश है ताकि जूसर की जो जाली है उसको हम अच्छे से साफ कर सकें। और ये एक एक्स्ट्रा गियर है, प्लास्टिक गियर। ये मैं इसको इसी में पैक रहने दूंगी ताकि गुम ना हो, यानी जब कभी खराब हो जाए, आप यहाँ से देख सकते हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा इन्होंने गियर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छी पैकिंग है, परफेक्ट पैकिंग के साथ आया है। और ये देखिए, इसके अटैचमेंट हैं। ये ब्लेंडर है जो ट्रांसपेरेंट है, ये ब्लेंडर है, यानी कोई भी शेक बनाना है, कुछ भी ब्लेंड करना है तो उसके लिए ये है। इसका ये लिड है, आप देख सकते हैं इसके ब्लेड्स हैं। ये ग्राइंडर है, और इसके साथ दो ही अटैचमेंट हैं। ये स्टील का है, स्टील का बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक, एयरटाइट है। ये ढक्कन जो लिड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाइज परफेक्ट। और अब हम इसको निकालते हैं। बड़ा कॉम्पैक्ट सा है, ये हमने इसको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके स्विच दिए हुए हैं, और ये तीन स्पीड है, लो, मीडियम
और ये देखिए यहां पर प्रेस करने के लिए बटन है जिससे व्हिप कर सकते हैं आप। ये हाई स्पीड में चलता है तो पहले आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ का बटन है, ये एरो का निशान है और ये जूसर है, आप देख सकते हैं। ये इसका अटैचमेंट है एक साथ में, जिसमें आपका पल्प जो है वो इकट्ठा होता है। और ये क्लिप्स लगे हैं, इसको ऐसे करके आप खोल सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसे क्लिप से ही टाइट हो जाता है। और इसके अंदर है ये कटर है, जाली है, जिससे जूस जो है वो अच्छे से निकलता है। और ये ऑलरेडी इसमें फिट है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ये इसका जो पल्प कलेक्टर है उसकी डेप्थ अच्छी है, उसमें काफी सारा। अदरवाइज कुछ जूसर में ये प्रॉब्लम होती है कि बार बार आपको उसको क्लीन करना पड़ता है, बट हियर यू कैन सी ये काफी बड़ा है और इसके अंदर काफी सारा पल्प इकट्ठा हो सकता है। अलग से देखा जाए तो बहुत कॉम्पैक्ट सा है, ये देखिए बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा पावरफुल। और यहां से इसका ये जूस निकलता है बाहर और इसको आप ये निकाल सकते हैं जाली को। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा है। और इसको वायर भी आपको मैं दिखाती हूँ, वायर भी इसका काफी लंबा है, छोटा नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आपको ये जूसर खरीद आप कोई भी जूसर खरीदना चाहते हैं तो आप इसका रिव्यू जरूर देखिएगा। ये देखिए काफी लंबा वायर है, ये मैंने डबल किया हुआ है, करीब 2 मीटर का वायर है, तो बहुत अच्छा है। यानी आप काफी कोई कमी नहीं है। और बाकी मैं इसके यूजेस आपको बताऊंगी। ये देखिए ये जो मैंने प्लंजर बताया था, ये भी आपको जब आप इसको ऐसे फिट करेंगे तो इससे प्रेस करने के लिए होता है, ये फ्रूट या वेजिटेबल जो भी है उससे आप इसको प्रेस करेंगे। जब मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी। तो आशा है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये मैंने दोबारा से चेक करके देखा है और इसको फिट करने का तरीका देखा है। ये देखिए इसको ऐसे आप सेट करेंगे, ये फिट हो गया। इसके ऊपर आप फिर ये कटर जो है ये इसके साथ ऐसे फिट करेंगे, इसको बीच में ऐसे लगा के जहां पर गैप है, और इसको घुमा देंगे ऐसे, ये घूम जाए अच्छे से, ये बिल्कुल करेक्ट है। और फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे फिट करेंगे, ये ऐसे इसके अंदर आ जाए। तो ये जो आपका पोर्शन देख रहे हैं आप, ये वाला नीचे, इसमें आप पहले इसको ऐसे फिट करेंगे और ऊपर से ऐसे प्रेस करेंगे, यहाँ हाथ रखेंगे, ऐसे ही दूसरी साइड ये इसमें फिट करेंगे नीचे। ये सब मैनुअल में है, बहुत इजी है, आपको मुश्किल आने वाली नहीं है। और इसको फिर ऐसे प्रेस कर देंगे और लास्ट में हमको इसके नीचे ये लगाना है। लास्ट में हम इसको ऐसे फिट कर देंगे, ये ऐसे, ये देखिए परफेक्ट। तो ये बहुत कॉम्पैक्ट सा, बहुत इजी है लगाना और करना, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है और आप इसका रिव्यू चाहते हैं कि जूस कैसे निकालते हैं, ग्राइंड कैसे करते हैं, मैं ये सब करके बताऊं, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये डालूंगी। बट आप अपने कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ऐसे कुछ और रिव्यूज चाहिए तो मैं जरूर दूंगी। और ज्यादा से ज्यादा मेरी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।